हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे बीम्स एंड बल्कहेड्स के ऊपर। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन सीरीज में ही ये डाल रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि पूरा कंस्ट्रक्शन सीरीज मैं जल्दी ख़त्म कर सकूँ, छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर कितना क्वेश्चन पूछता है वो सब डिस्कस करके। ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं बीम्स पे। नाउ व्हाट इज बीम, ये पहले जानना एक्चुअली एक इजी लैंग्वेज में हम लोगों के लिए, क्योंकि बीम्स का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आप बोल नहीं सकते याद करके, या फिर उतना याद नहीं रहेगा। तो मैं एक ट्राई किया हूँ कि इजी लैंग्वेज में समझाने का। द डेक मे बी सपोर्टेड आइदर बाई ट्रांसवर्स बीम्स इन कंजंक्शन विथ लॉन्गिट्यूडिनल गर्डर्स और बाई लॉन्गिट्यूडिनल बीम्स इन कंजंक्शन विथ ट्रांसवर्स गर्डर्स। ठीक है, पहले हम लोग गर्डर्स क्या है, जो चीज़ सोलली पर्पस यूज होता है फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द शिप उसको हम लोग कहते हैं गर्डर्स। ओके, नाउ गर्डर्स कैन बी रन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन और कैन बी रन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके, सो जो डेक मे बी सपोर्टेड आइदर बाई ट्रांसवर्स जो बीम्स है वो अगर डेक पे रन किया तो वो सपोर्टेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल गर्डर्स रहेगा और वाइस वर्सा रहेगा। ठीक है, एक पिक्चर के साथ मैं आपको इजी बोल सकूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द बीम्स। वेयर द डेक इज ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड दैट टेक बीम्स आर टू बी फिटेड एट एवरी फ्रेम स्पेस डेक बीम्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डेक। मतलब ये क्या करता है एक्चुअली, डेक बीम्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डेक एंड एनी लोड इट कैरीज एंड एक्ट एज अ स्ट्रट। स्ट्रट मीन्स एक सपोर्ट, सपोर्टिव मेंबर्स फॉर लॉन्ग, उसका जो उसके ऊपर जितना हम लोग फोर्स यूज कर रहे हैं या फिर वेट रख रहे हैं या फिर कुछ भी, उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो एब्जॉर्ब करने को हम लोग स्ट्रट कहते हैं। ठीक है, एंड असिस्टिंग इट होल्डिंग द साइड्स ऑफ द शिप अपार्ट द इनवर्ड प्रेशर ऑफ द सी। मतलब जो बस ओनली जो डेक हम लोग देखते हैं जहाज का उसको ही नहीं, उसके साथ जो साइड्स है जहाज का, जो साइड्स रन करता है वो भी एक्चुअली डेक बीम्स हेल्प करता है कि वो सबको एक साथ पकड़ के रखने का, ताकि इधर से जो इनवर्ड प्रेशर है या फिर ऊपर से आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आपका जो वाइब्रेशन है जहाज का, वो सब एक साथ डेक बीम्स हेल्प करता है एक मतलब पकड़ के रखने के लिए। ओके, नाउ अभी मैं एक फोटो के साथ दिखाता हूँ, देखिए। नाउ लास्ट वीडियो में बोल चुका था कि दीज ऑल आर फ्रेम्स, जो इधर रन किया है ये सब फ्रेम्स है। ओके, नाउ लुक इनटू दिस, दिस इज द एक्चुअल बीम ऑफ द शिप। ओके, जैसा हम लोगों का घर पे भी रन होता है, दीज आर और बीम्स। ठीक है, इधर देखिए आप, ये देखिए ट्रांसवर्स फ्रेमिंग में कैसे रन किया है। ठीक है, फ्रेमिंग आपका ट्रांसवर्सली रन किया है जहाज पे, ये एक्चुअली बीम्स है। बीम्स और फ्रेम्स दोनों अलग है, इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए, दीज आर ऑल बीम्स। ठीक है, अभी ये मैंने जैसे बोला था कि ये अपर डेक पे या फिर आपका जो साइड सेल के साथ भी ये लगा रहता है, ये एक्चुअली ये फोटो में आप अपर डेक के साथ कनेक्टेड है डेक बीम्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा जो इधर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट इज बीम नीज। ठीक है, द ट्रांसवर्स बीम्स आर कैरीड अक्रॉस द शिप एंड ब्रैकेटेड टू द साइड फ्रेम्स बाय मींस ऑफ बीम नीज। मतलब ट्रांसवर्स बीम कैरीड हो रहा है, लेकिन जो साइड फ्रेम, जो ये ट्रांसवर्स बीम्स और ये साइड फ्रेम के साथ, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीम नीज आर प्रोवाइडेड। आप ये दो पॉइंट भी याद रख सकते हैं, एक है ट्रांसवर्स बीम, एक है साइड फ्रेम्स, या फिर बीम्स आर कनेक्टेड बाय फ्रेम्स विथ द मींस ऑफ बीम नीज, ये भी आप बोल सकते हैं। बीम नीज आर फिटेड टू प्रोवाइड एन एफिशियंट कनेक्शन बिटवीन द साइड फ्रेम एंड द डेक बीम, मैंने अभी बोला। दे प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रैकिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसका दो टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। रैकिंग स्ट्रेस के लिए मेन क्या स्ट्रक्चरल मेंबर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बीम नीज। ठीक है, अभी रैकिंग स्ट्रेस क्या है, सपोज दिस इज द योर शिप। ओके, नाउ अभी इधर से प्रेशर आ रहा है, वाटर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जहाज आगे जा रहा है, उसके लिए उसका रोलिंग पिचिंग या फिर पाउंडिंग वो भी हो रहा है। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस द फ्रेम्स, अगर आपका घर पे अगर कोई ये होगा फोटो फ्रेम, अगर आप फोटो फ्रेम को दोनों, ये दोनों साइड से अगर थोड़ा प्रेशर लगा दिए हाथ दिए हाथ से, तो जो कोलैप्सिंग होगा उसका, मतलब जो उसका ये वाला जो पोर्शन धीरे 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 धीरे, ये वाला पोर्शन वो धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, ब्रेक होके वो थोड़ा टेढ़ा होके ऐसा कुछ हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड रैकिंग स्ट्रेस।
तो उसके लिए क्या है, इधर बीम नीज प्रोवाइड किया है इधर, ताकि ये जो आप प्रेशर देके इजीली इसको तोड़ रहे हैं उसको आप तोड़ ना पाए, मतलब उसको थोड़ा मजबूती और देगा, तो उसके लिए बीम नीज आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द रैकिंग स्ट्रेस। ओके, द साइज ऑफ द बीम नीज इज डिटरमाइंड बाई द स्कैंटलिंग ऑफ द फ्रेम एंड द बीम। स्कैंटलिंग मतलब एक स्ट्रेंथनिंग मेजरमेंट है, स्कैंटलिंग ड्राफ्ट भी एक होता है जो बेसिकली नॉर्मल सी ट्रायल के टाइम पे यूज किया जाता है, जो जहाज का आपका जहाज कितना स्ट्रेंथनिंग मेजर करेगा उसके ऊपर, वो बेसिकली सीपीआर से ही प्रोवाइड किया रहता है। ठीक है, नाउ बीम नीज का एक फोटो देख लीजिए, ये वाला पोर्शन अलग है, ठीक है, ये पूरा ऐसा नहीं कि ये दोनों कनेक्टेड है, ये बीमनीज अलग से लगाया जाता है। दीज पकड़ लीजिए, दीज आर कॉल्ड फ्रेम्स, मैंने बोला था ये पूरा एक फ्रेम है जहाज का। अगर आप उधर बीम लगाए एक, या सपोज इसके ऊपर ये वाला हो गया ट्विन डेक, ट्विन डेक, ठीक है, और ये नीचे आपका मेन जो मेन होल्ड है वो वाला, तो ये अगर बीम उधर से पास करेगा या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी अगर बीम पास किया उधर से, तो उसके साथ फ्रेम्स का जो कनेक्शन है, जो मैंने बोला रैकिंग स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए, दीज आर कॉल्ड बीम नीज। ठीक है, ये एक डायग्राम है, एक्चुअल में आप इधर भी देख सकते हैं, दिस इज अ वुडन बीम नीज। ठीक है, ये आपका बीम को सपोर्ट करने के लिए, दीज ऑल आर बीम नीज आर प्रोवाइडेड। देखिए हर जगह सपोर्ट किया है टू, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, दीज आर कॉल्ड बीम नीज, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ट्रांसवर्स बीम, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था ट्रांसवर्स फ्रेमिंग, सेम एज ट्रांसवर्स फ्रेमिंग ऑलमोस्ट, दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स बीम, बट कन्फ्यूज मत कीजिए दोनों को। देखिए थोड़ा, ये अ बीम अरेंजमेंट व्हिच इज ऑफन अडॉप्टेड फॉर शिप्स हैविंग सीवियर रैकिंग स्ट्रेस एंड हॉगिंग एंड सैगिंग इफेक्ट। हॉगिंग सैगिंग इफेक्ट मैं बाद में कोई, जब एक साथ बहुत जल्दी ही लाऊंगा वो वीडियो, बहुत सारा स्ट्रेसेस के ऊपर, क्योंकि वो बहुत वाइटल क्वेश्चन है, वो मैं वीडियो लाऊंगा, ताकि तब तक आप समझ में रखें कि जो जहाज के ऊपर बहुत रैकिंग स्ट्रेस, या फिर जो उसका जो नेविगेशन, जो उसका हिस्ट्री है, या फिर उसका जो लोडिंग कार्गो है, नेचर ऑफ द उसका जो स्टील है, उसके ऊपर डिपेंड होके बीम अरेंजमेंट ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडिनल होगा वो फिक्स किया जाता है। रन अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ द शिप लेस देन 120 मीटर ऑफ शिप, मतलब कि जो छोटा छोटा जहाज पे या 120 मीटर से जो लेस होता है वो सब में ट्रांसवर्स बीम यूज किया जाता है। बीम नीज आर प्रोवाइडेड, ट्रांसवर्स बीम रहेगा तो बीम नीज प्रोवाइड ऑब्वियसली रहेगा। यूज एट 3 meter इंटरवल टू सपोर्ट द साइड प्लेट। सो ओके, सो दीज आर ऑल स्मॉल पॉइंट्स, यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजिली, नो नथिंग रॉकेट साइंस हियर। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज सेम एज ट्रांसवर्स, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल बीम्स, अनदर टाइप ऑफ बीम्स इज हियर, अनलाइक दिस मोर देन 120 मीटर यूजली इन टैंकर। लॉन्गिट्यूडनल बीम यूजली इन टैंकर यूज किया जाता है, फिटेड लॉन्गिट्यूडिनली। बॉटम एंड ट्रांसवर्स स्टिफनर आर यूज टू सपोर्ट द लॉन्गिट्यूडिनल्स। ठीक है, ये सब आपको इजीली कोई भी गूगल पे जाइए, लॉन्गिट्यूडनल बीम्स का एक ड्राइंग देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसका बारे में बात किया हूँ। ठीक है, बाकी ये सब 3-4 पॉइंट ही है, आपको बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर बल्कहेड्स। ठीक है, बल्कहेड्स पे क्या क्या सवाल पूछा जाता है। व्हाट इज बल्कहेड, दीज आर द डिवीजन और सब डिवीजन ऑफ अ कंपार्टमेंट और टैंक। डिवीजन मतलब बेसिक डिवीजन, मतलब आप एक को दो बना दिए, ये डिवीजन। सब डिवीजन जहाज पे एक्चुअली किसको कहता है। सब डिवीजन डिवाइड्स अ शिप इनटू अ नंबर ऑफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट, मतलब दोनों के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका ये एक डिवीजन हो गया जहाज का, इधर ऐसा बल्कहेड बैठा दिया आपकी, इधर से ना इधर कुछ आ सकता है ना कुछ जा सकता है, दीज आर कॉल्ड सब डिवीजन। अदरवाइज आप बेसिकली दोनों को मतलब थोड़ा बहुत अलग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अवर डिवीजन, एंड दिस वन इज सब डिवीजन। ओके, देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ बल्कहेड फिटेड इन द शिप, वाटर टाइट, नॉन वाटर टाइट एंड टैंक बल्कहेड। ठीक है, अगर पूछा गया कि कितना टाइप का बल्कहेड होता है, ये 3 काफ़ी है, बाकी अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत नाम का मिल जाएगा, कोई भी स्पेसिफिक एक्चुअली नहीं रहता है, तो ये 3 आप बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं आता हूँ गाइस कुछ एडिशनल टाइप्स। देखिए आपको बेसिक क्वेश्चन है बल्कहेड कितना टाइप का है, आपको जो मैंने लास्ट आंसर बोला वही सब बोलना है। अगर आपको लगा कि सर्वेयर आपसे कुछ ज़्यादा मांग रहा है, या फिर उसका जो आंसर दिए हैं आप वाटर टाइट नॉन वाटर टाइट टैंक से वो सेटिस्फाइड नहीं है,
तब तभी वन एंड ओनली देन ही आप ये सब में घुसिए, वरना इसका अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया वो लोग कोई किसी से भी, तो आप मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, क्योंकि इसका क्रॉस क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो बाई पोजिशन, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, बाई पर्पज, वाटर टाइट, नॉन वाटर टाइट, कलिशन, इंसुलेशन, बाई कॉन्स्ट्रक्शन, प्लेन एंड कॉरोगेटेड। ठीक है, ये कॉरोगेटेड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इससे ज़्यादा सर्वेयर पूछता है, बाकी सब एकदम बेसिक है, आपको बस उसका टाइप्स ही बताना है, और बाकी इसका जो फंक्शन क्या है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, बल्कहेड, ये सब बेसिक एकदम है। ओके, मैं अभी डिस्कस करूंगा कॉरोगेटेड बल्कहेड। ठीक है, व्हाट इज कॉरोगेटेड बल्कहेड, इसको आप कॉरोगेटेड या कॉरुगेटेड कुछ भी कह सकते हैं, इसका बस प्रोनाउंसिएशन या फिर इसका जो मेन फंक्शन आपको जानना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन तो हम लोग कर ही लेंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कॉरोगेटेड बल्कहेड आर जेनरली यूटिलाइज्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द कार्गो टैंक्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोडक्ट और केमिकल टैंकर्स। दीज कॉरोगेशन प्रोवाइड्स बेनिफिट्स सच एज सिंप्लीफाइड क्लीनिंग विच इज हाईली डिजायरेबल ड्यू टू द ऑपरेशनल प्रोफाइल ऑफ सच वेसल। मतलब क्या बोला है इसमें कि इसका जो बाउंड्री किधर से किधर तक रहेगा कार्गो टैंक्स पे, नॉर्मल बिटवीन द कार्गो टैंक्स, ठीक है मैं अभी दिखाऊंगा, बिटवीन द कार्गो टैंक्स, और नॉर्मली ये एक्सटेंड करता है अप टू द अपर मोस्ट कंटिन्यूअस डेक तक। मैं फोटो पे एक बार दिखा देता हूँ, दीज आर ऑल कार्गो टैंक्स और डीप टैंक्स, और वी कैन से दोज आर द डबल बटम टैंक्स। ठीक है, तो उधर से दिस आवर अपर मोस्ट कंटिन्यूअस डेक। ठीक है, तो दीज बल्कहेड्स आर बेसिकली स्प्रेड इन बिटवीन द मीन इट्स का बाउंड्री जो इधर से इधर तक ही है। ओके, ये देखिए, दिस वन इज द अपडेटेड वर्जन, मीन्स इट हैज बीन होल्ड क्लीनिंग आफ्टर, सो दीज आर ऑल द टैंक आफ्टर फ्रॉम द टैंक टॉप टू द अपर मोस्ट कंटिन्यूअस डेक तक, ये इसका बाउंड्री एक्सटेंड करता है। ओके, नाउ अभी क्या बोला है, प्रॉपरली डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन कॉरोगेटेड बल्कहेड स्ट्रक्चर कैन गिव मेनी ईयर्स ऑफ सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। ये क्यों बोला है कि बहुत साल तक चलने वाला है प्लेन बल्कहेड से, मैं उसका एडवांटेज पे जब आऊंगा तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन एंड डिफिकल्टीज और मैन्युफैक्चरर कैन लेड इन टू सिग्निफिकेंट डिफेक्ट्स ऑकरिंग विच मे बी कॉस्टली टू रिपेयर। मतलब कुछ सपोज आपका जहाज का कुछ मॉडिफिकेशन हो गया या फिर कुछ और कुछ हो गया, आपको कॉरोगेटेड लगाया, फिर वो आपका जहाज का तो स्ट्रक्चर है, अगर उसके हिसाब से थोड़ा कम्प्लेक्स पे बनाया गया हो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ गैप्स रहता है, पॉकेट्स रहता है, तो उस वो तभी बहुत कॉस्टली टू रिपेयर हो जाता है, क्योंकि आपको उसका स्पेशल पर्पज पर रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बस वही बोला है, बाकी आपको कॉरोगेटेड बल्कहेड्स और बल्कहेड्स में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं आपको अभी आता हूँ उसका टाइप्स पे, कॉरोगेटेड बल्कहेड्स का। कॉरोगेटेड टाइप्स बल्कहेड्स आर बेसिकली टू टाइप्स, वर्टिकली एंड हॉराइजेंटली, वेरी सिंपल। नाउ मैं आपको वर्टिकली और हॉराइजेंटली थोड़ा उसका डिटेल्स में आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन मुझे मिला था इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ वर्टिकली कॉरोगेटेड बल्कहेड, नाउ देखिए, थ्री टाइप्स बेसिकली आर देयर। फर्स्ट इज विदाउट स्टूल्स एंड इनर बॉटम, ये इसका नाम दिया गया है VC1 टाइप्स। ठीक है, वर्टिकली कॉरोगेटेड आप कह सकते हैं। टाइप VC1 अरेंजमेंट इज मोस्ट कॉमन ऑन स्मॉल टैंकर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट टैंकर्स एंड केमिकल कैरियर्स। क्या बोला है, विदाउट स्टूल्स एंड इनर बॉटम। नाउ दिस इज आवर टाइप VC1, दिस देखिए, दीज आर ऑल आवर कॉरोगेटेड बल्कहेड्स। बेसिकली इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दिस सिम्बॉल इट ऑल मीन्स आवर शिपिंग लाइन, और बेसिकली इट कॉरोगेटेड बल्कहेड सिम्बॉल। सो इधर कोई स्टूल नहीं है, जैसे मेरा इसमें है, इसमें मैं आऊँगा अभी। ठीक है, ये एक प्लेन बल्कहेड्स गया है इधर, वो उसका बस कॉरोगेटेड टाइप्स है और कुछ नहीं। ठीक है, विदाउट स्टूल्स एंड इनर बॉटम एंड डेक। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड, विथ लोअर स्टूल टाइप VC2। ठीक है, VC1 इसका है, VC2 द सेकेंड टाइप। दिस अरेंजमेंट इज यूटिलाइज्ड ऑन लार्जर शिप्स देन दोज यूजिंग टाइप VC1 एंड हैज फाउंड एप्लीकेशन ऑन शिप एक्सीडिंग 40,000। सपोज इसमें कुछ अभी मैं क्यों इसका यूजेस इतना बड़ा शिप में है वो हम लोग नहीं कर सकते, दोज आर ऑल डिपेंड ऑन द स्कैंटलिंग और एवरीथिंग द शिपयार्ड नोज, वी डोंट नो दैट मच एंड नॉट नेसेसरी ऑल्सो। नाउ VC2 व्हाट इज है, ये कहता है कि लोअर स्टूल भी है इसके पास। नाउ देखिए, इसका पास दे दिया गया लोअर स्टूल, दीज आर कॉरोगेटेड बल्कहेड बट टाइप VC2 वर्टिकली टाइप में, ये दो नंबर पोजीशन पे आता है टाइप इसका टाइप्स में विथ लोअर स्टूल। ओके,
नाउ कमिंग टू थर्ड वन विथ लोअर स्टूल एंड अपर स्टूल, इसमें दोनों ही रहता है। टाइप VC3 नाम दिया गया है इसको। दिस अरेंजमेंट इज यूटिलाइज्ड ऑन द लार्जेस्ट टैंकर्स फिटेड विथ कोरागेटेड बल्कहेड्स व्हिच नाउ रीच एफएमएक्स साइज। ठीक है, ये बहुत सारा मतलब ये बहुत छोटा, ये मीडियम साइज कह सकते हैं आप, ये बड़ा बड़ा जहाज पे लोअर स्टूल और अपर स्टूल ये दोनों, देखिए लोअर स्टूल भी है इसके पास, अपर स्टूल भी है इसके पास। ठीक है, तो ये हो गया आप मेरा वर्टिकल टाइप कोरागेटेड बल्कहेड्स। नाउ कमिंग टू हॉरिजॉन्टल कोरागेटेड बल्कहेड्स का टाइप्स पे, बल्कहेड अरेंज ट्रांसवर्सली, दोज आर नेम्ड एज हॉरिजॉन्टली कोरागेटेड बल्कहेड्स। टाइप HCT, दिस अरेंजमेंट इज द मोस्ट कॉमन ऑन स्मॉल टैंकर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट टैंकर्स एंड केमिकल कैरियर्स वेयर द एफिशिएंसी ऑफ द टैंक क्लीनिंग इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस। मतलब बहुत छोटा छोटा जहाज जो बहुत मतलब जो रूट बिना उसका जो रूट्स है वो बहुत कम दिनों का पोर्ट्स का है और उसको टैंक क्लीनिंग मेन प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब 5-6 दिन के अंदर उसका पोर्ट एक्सचेंज होता है तो उसको टैंक क्लीनिंग में बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसके लिए ये सब जो हॉरिजॉन्टली टाइप बल्कहेड्स यूज होता है ये यूज होता है। ठीक है, बल्कहेड्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडिनली टाइप HCL, तो इसका क्या क्या टाइप मिल गया मेरे को, HCL एंड HCT, दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टली टाइप कोरागेटेड बल्कहेड्स का टाइप्स। दिस अरेंजमेंट इज मोस्ट कॉमन ऑन स्मॉलर टैंकर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट टैंकर्स एंड केमिकल कैरियर्स और द टैंक क्लीनिंग इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस सेम एज 1 और 2। ठीक है, इसमें मेरे को भी कुछ उतना डिफरेंस नहीं मिला, यही दो पॉइंट मिला बस। टाइप्स आपको याद रखना है और याद रखना है कि स्मॉल टैंकर्स पे हॉरिजॉन्टल टाइप का बल्कहेड्स यूज किया जाता है, लेकिन इसका नाम दिया गया है दो। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनली फिटेड रहता है, एक ट्रांसवर्सली, लेकिन उसका फंक्शन दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली कोरागेटेड बल्कहेड। सो दीज आर ऑल टाइप HCT ट्रांसवर्सली फिटेड बल्कहेड। ठीक है, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनली फिटेड बल्कहेड टाइप HCL एंड HC2। और कुछ नहीं है इसमें, बाकी जो इंपॉर्टेंस मैंने बोला टैंक क्लीनिंग इसका मेन फंक्शन है। ओके, तो नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ कोरागेटेड बल्कहेड। देखिए इसमें अभी आपका आपका जो नॉर्मल बल्कहेड है उससे इसको क्या एडवांटेज मिलता है कोरागेटेड बल्कहेड को, इजी मेंटेनेंस, इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग, फ्लेक्सिबल शेप इन सिंकेज। मतलब आपका जो बल्कहेड सपोज ये है, ये आपका थोड़ा कोरागेट आगे वाला ये रहता है, ये थोड़ा आगे रहता है, ये डेक थोड़ा, ये जो बल्कहेड है थोड़ा पीछे साइड रहता है, मतलब कि इसका जो फ्लेक्सिबल शेप है। ठीक है, अगर कुछ थर्मल एक्सपेंशन हो या फिर जो वाइब्रेशन है या फिर जो फोर्सेस है उसके लिए एक इलास्टिसिटी, ठीक है, मेटल का जो प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी कह सकते हैं आप या फिर श्रिंकेज, ये थोड़ा उसको मैनेज करता है या फिर उसका जो मेन जो फोर्स है उसको थोड़ा रिड्यूस करता है। ओके, एक्सपेंशन बाय थर्मल लोड कंपेयर टू द स्टीफन बल्कहेड, सेम एक्सपेंशन और श्रिंकेज, ये दो इसका मेन एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ बल्कहेड। ठीक है, क्या यूज पे आता है बल्कहेड, दीज बल्कहेड्स मे बी फिटेड लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स वाटर टाइट बल्कहेड व्हिच डिवाइड्स द शिप कंपार्टमेंट इनटू अ नंबर ऑफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आप एक पॉइंट बोल सकते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट को डिवाइड मतलब बनाने के लिए एक बल्कहेड यूज किया जा सकता है। अगेन दे गिव लार्ज स्ट्रक्चरल सपोर्ट, रेजिस्ट एनी टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन। इसका मतलब है सपोज आपका ये एक प्लेट है, आपका कोई भी कंपार्टमेंट है, इसको आप दोनों डिवाइड कर दिए, इससे इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले जो फोर्स लगा के आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे से कहीं से भी आप फोर्स लगा के या फिर इसका जो अपथ्रस्ट है इसको जितना कम फोर्स में इसको बेंड या फिर इसका जो डैमेज कर सकता है, बल्कहेड लगाने से आप उसका स्ट्रेंथनिंग और बढ़ा देंगे। ठीक है, स्प्रेडिंग द हल स्ट्रेसेस ओवर अ लार्ज स्ट्रक्चरल एरिया। मतलब इसका ऊपर जो सेम वही स्ट्रेस आ रहा है वो बाकी मतलब पहले क्या होता था, बहुत इजीली आप इसको डिफॉर्मेशन कर सकते थे, लेकिन अभी क्या होगा, आपको इसको टेढ़ा करने के लिए इसको भी आपको स्ट्रे करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसका ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये सबका जो एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स है ये उसको लार्ज स्ट्रक्चरल एरिया में स्प्रेड कर देगा, ताकि जो एक्चुअल रिजल्टेंट जो फोर्स है या फिर जो आपका स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आवर मेन यूज ऑफ बल्कहेड। नाउ कमिंग टू द बल्कहेड पोजीशनिंग। एक्चुअली ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कलिशन बल्कहेड किधर बैठा होगे, ऐसा 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 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 3-4 पॉइंट है, बहुत ईजी है। ईच शिप मस्ट हैव अ कलिशन बल्कहेड एटलीस्ट 1/20th ऑफ द शिप्स लेंथ फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर विथ विच
मस्ट बी कंटिन्यूअस अप टू द अपर मोस्ट कंटिन्यूअस डेक, ठीक है, मतलब 120th लेंथ ऑफ द शिप्स फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, मतलब लेंथ का जो फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है उससे 120th लेंथ ऑफ द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे एटलीस्ट एक कलिशन बल्केड होना चाहिए, ठीक है. स्टर्न ट्यूब मस्ट बी एनक्लोज्ड इनटू अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट विथ स्टर्न फ्रेम एंड आफ्टर पिक बल्केड मस्ट बी फिटेड एज इट ईच एंड ऑफ मशीनरी स्पेस although of the engines are fitted at the aft. अभी देखिए stern tube, actually stern tube क्या है, आगे का हम लोग बात कर लिए collision bulkhead, लेकिन आप सोचिए जहाज आगे से तो बन जाएगा लेकिन पीछे propeller को आप कैसे ये करेंगे, वो तो सी मतलब उसका जो मेन ये है कनेक्टेड रहेगा ही जहाज से, ऊपर से वो सी को भी टच करेगा, तो दोनों का जो ओपनिंग स्पेस है वो आप कैसे कवर करेंगे, उसके लिए क्या है ये देखिए, ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट, ये आपका ये प्रोपेलर्स ब्लेड हो गया, तो ये जो एक्चुअली स्टर्न ट्यूब, दीज पोर्शंस आज कॉल्ड स्टर्न ट्यूब. ओके, नाउ अभी देखिए इधर भी देखिए ये वाला फोटो में स्टर्न फ्रेम जो एक्चुअली शिप कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही ये हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको मैं इस वीडियो में अगर डिस्कस करने गया तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक अलग में इसका अच्छे से डायग्राम बना के मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इस आज इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि जो शाफ्ट गया है प्रोपेलर शाफ्ट उसके लिए स्टर्न या फिर जो स्टर्न ट्यूब जो एक्चुअली जो सी का जो मतलब एकदम माउथ टू माउथ जिसका जो ये है सी इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ऊपर से इधर से ओपनिंग्स भी है जो सी का तरफ शाफ्ट का, वो एक्चुअली स्टर्न फ्रेम कंस्ट्रक्शन से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, ये येलो पोर्शन वाला दैट इज कॉल्ड आवर स्टर्न फ्रेम, ठीक है, ये पोर्शन वो जो सी जो उसका फेसिंग है उसको शाफ्ट से या फिर सी से वो एक्चुअली वाटर टाइटनेस देता है पीछे वाला पोर्शन के लिए, ठीक है. नाउ कमिंग टू इन कार्गो होल्ड्स बल्कहेड्स आर फिटेड इन सेपरेट सेक्शंस बिटवीन द टैंक टॉप एंड द लोएस्ट डेक इन द ट्विन डेक, ठीक है, ये डेक होगा लोएस्ट डेक इन द ट्विन डेक, ये तो नॉर्मल कार्गो होल्ड्स का जो बल्कहेड्स का बात कर रहे हैं, जो सेपरेट सेक्शन बिटवीन द टैंक टॉप मतलब टैंक टॉप से या फिर लोएस्ट डेक से ट्विन डेक तक एक जो कंपार्टमेंट रहता है कार्गो होल्ड्स में ऐसे डिवाइड किया जाता है बल्कहेड्स को, ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया होगा पोजिशनिंग आपका. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बल्कहेड. ओके, बल्कहेड आर डिजाइंड इन अ सच वे दैट सो दैट द बॉटम पार्ट ऑफ द बल्कहेड मस्ट बी थिकर देन द टॉप पार्ट और टू प्रिवेंट द डेप्थ ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड. द बल्कहेड आर सपोर्टेड बाई वर्टिकल स्टिफनर स्पेस्ड बाई 760 mm अपार्ट. ये आपको नॉर्मल फिजिक्स का जो लॉ है, सपोज आपका बल्कहेड एक ये है या फिर कोई भी आप प्लेट को एक गहराई पे डुबाई मतलब ये आपका वाटर लाइन है, आप वाटर लाइन के नीचे भी इतना सारा वाटर लाइन के नीचे है तो जो वाटर प्रेशर इधर काम करेगा सपोज इधर इधर से जो वाटर प्रेशर काम कर रहा है सपोज इसका ये एक फोर्स है ये और जो फोर्स इसका जो एकदम बॉटम पोर्शन में काम करेगा ठीक है इसका सपोज पकड़ लीजिए बी तो बी एक्चुअली ग्रेटर देन ए होगा क्योंकि एज हम लोग सब जानते हैं कि एज द डेप्थ इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस सो द थिकनेस ऑफ द बल्कहेड ऑल्सो इंक्रीज्ड एट द बॉटम पार्ट टू प्रिवेंट द प्रेशर द मैक्सिमम प्रेशर व्हिच इज क्रिएटेड इन द डाउन ऑफ द वाटर लाइन ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा एकदम इजी साइंस है सबको मालूम है ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज बल्कहेड टेस्ट बल्कहेड जो है एक तो बना दिया उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे द बल्कहेड्स आर टेस्टेड फॉर वाटर टाइटनेस बाय हाउसिंग देम यूजिंग अ प्रेशर ऑफ 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट टेस्ट इज कैरिड आउट फ्रॉम द साइड वेयर द स्टिफनर्स आर फिटेड जैसे हम लोग होल्ड के लिए हम लोग आप सब किए होंगे या फिर आप बाल करियर में करेंगे तो जो होल्ड के ऊपर हम लोग वाटर टाइटनेस का टेस्ट करते हैं सपोज दीज आर द होल्ड सेक्शन टू सेक्शन हम लोग बीच में इसका स्प्रे मारते हैं वाटर का ताकि देखें कि ये वाटर टाइट है कि नहीं तो सेम बल्कहेड्स आर ऑल्सो लाइक दिस टेस्टेड बट इसके लिए प्रेशर एक्चुअली 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर ये एक्चुअली कहाँ पर मतलब आपको कंस्टेंट नहीं मिलेगा कि हाँ 200 से कम नहीं होगा ज़्यादा नहीं होगा दीज आर ऑल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर बट दैट इज द एवरेज केस आई हैव फाउंड इन बुक्स दैट इज द 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके इट इज एसेंशियल दैट द स्ट्रक्चर शुड बी मेंटेन अ वाटर टाइट एंड इंटेक्ट कंडीशन ओके
Any cuts with opening must be fitted with provision by means of watertight glands or watertight door respectively. मतलब सपोज आपका जो होल्ड पे आप गए होंगे बल्क कैरियर पे, या फिर जो लोग नहीं किया होगा उसका मुझे भी मालूम नहीं है, मैं बल्क कैरियर किया हूँ तो एक इजी एग्जांपल बल्क कैरियर में दे रहा हूँ. आपका सपोज इधर कोई स्टूल स्पेस बनाया इधर, तो वो स्टूल स्पेस आपका कार्गो होल्ड के अंदर आप गए लैडर से, तो स्टूल स्पेस या फिर आपका जो कभी कभी सेल्मा का भी इधर रहता है जो वाटर इंग्लिस अलार्म का जो रहता है, उसके लिए आपको तो एक होल या फिर एक कंपार्टमेंट चाहिए ना. वो कंपार्टमेंट अगर आपका नेसेसरी है, ऑब्लाइज्ड है, तो क्या आपका होना चाहिए, तो एक वाटर टाइट ग्लैंड फिट होना चाहिए या फिर वाटर टाइट डोर्स रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों में से कोई भी जो जो वो पानी का इंग्रेस बंद कर सके उसके लिए वो एक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक देखिए. वाटर टाइट ग्लैंड्स आर फिटेड एट द आफ्ट बल्कहेड थ्रू वेयर द इंजिन रूम शाफ्ट पासेस थ्रू द सी एंड होल्डिंग द प्रोपेलर एंड इन सम शिप वेयर द टनल इज प्रोवाइडेड एट द आफ्ट ऑफ द इंजिन रूम अ वाटर टाइट डोर मस्ट बी फिटेड. मैंने थोड़ी देर पहले आपको शाफ्ट किधर से पास किया दिखाया फोटो में, तो उसका क्या रिकमेंड है, आइदर अगर प्रोपेलर एंड जो सी में अगर गया तो एक उसको क्या होना चाहिए, आइदर एट द आफ्टर बल्कहेड थ्रू द इंजिन रूम शाफ्ट और होल्डिंग प्रोपेलर वेयर द टनल ऑल्सो अ इंजिन रूम वाटर टाइट डोर मस्ट बी फिटेड. मतलब एक अगर शाफ्ट पास किया या फिर जो टनल प्रोवाइड रहता है कोई कोई जहाज में शाफ्ट की जगह, तो दो इन दोज केसेस वाटर टाइट डोर मस्ट बी फिटेड. ठीक है, बल्कहेड्स और डेक्स के बीम्स के ऊपर इतना ही था. बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा डिटेल्स में जाता भी नहीं है और ज़्यादा डिटेल्स को हम लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलता है इंटरनेट पे भी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू गाइस. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.